बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कल हम लोगों ने एमएस पेंट में कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन किया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैंने यहाँ से टाइप कर लिया एमएस पेंट, एमएस पेंट ओपन करते हैं। कल हम लोगों ने एमएस पेंट की इंट्रोडक्शन की थी और कुछ बेसिक चीज़ें पढ़े थे, अगर आप लोगों को याद हो तो। देखो जनाब, वो मैं सबसे पहले फाइल में आता हूँ या से ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद मैंने या से सिंपल पिक्चर में आता हूँ, कोई तस्वीर ओपन करता हूँ, सही। मैं दोबारा फाइल में आता हूँ, ओपन करता हूँ, मैंने ये तस्वीर ओपन कर लिया। अब क्या हुआ, पुराना तस्वीर ख़त्म हो गया। फाइल में आता हूँ, ओपन में आता हूँ, मैंने ये तस्वीर उठा के ओपन करता हूँ, अब पुराना तस्वीर ख़त्म हुआ। याद रखना, ओपन की मदद से आप एट अ टाइम एक ही तस्वीर ला सकते हो, एक से ज़्यादा तस्वीर लाना एमएस पेंट में पॉसिबल नहीं है। अगर आपको एक से ज़्यादा तस्वीरें चाहिए एमएस पेंट के अंदर, मैं फ़िलहाल न्यू पेज लाता हूँ। अगर आपको एमएस पेंट के अंदर एक से ज़्यादा तस्वीरें चाहिए, पिक्चर्स चाहिए, तो आपने आना होगा पेस्ट के अंदर, लिखा है पेस्ट फ्रॉम, इसके ऊपर क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ से कोई भी तस्वीर सेलेक्ट करके ओपन कर लिया। अब ये तस्वीर का साइज़ ज़्यादा है, अगर आपने इसके साइज कम और ज़्यादा करना है तो आपने रीसाइज में आना होगा। मैं रीसाइज के ऊपर क्लिक करता हूँ, साइज कितना आ रहा है, हॉरिजॉन्टल चौड़ाई में आ रहा है, वर्टिकल लंबाई में आ रहा है। मैंने कहा भाई दोनों साइडों से ये 30 हो जाए, आप ऊपर चेंज करो, नीचे खुद चेंज हो जाएगा, आप ओके कर लो। ये तस्वीर मैंने इसका साइज चेंज कर लिया। फाइल में आता हूँ, सॉरी पेज के अंदर पेज फ्रॉम में आता हूँ, मैंने एक और तस्वीर ओपन कर लिया। अब क्या पुराना तस्वीर ख़त्म हुआ, नहीं, इसके पीछे पड़ा हुआ है, इसको थोड़ा हिला लेना, इसको भी कम करना। रीसाइज में आता हूँ, कितना साइज किया था, 30 मैंने किया था, 30%, ओके कर, इसको भी 30 करता हूँ, इसके साथ रख लेता हूँ। फाइल में आता हूँ, पेज फ्रॉम में आता हूँ, मैंने यहाँ से कोई और तस्वीर उठा के ओपन कर लिया, रीसाइज करके इसका भी मैंने साइज कम और ज़्यादा कर सकता हूँ। तो कहने का मकसद है, अगर आपको एक से ज़्यादा तस्वीरें चाहिए तो आपने कहाँ पे आना होगा, पेस्ट फ्रॉम में आना होगा। पेस्ट के अंदर पेस्ट फ्रॉम लिखा है, पेस्ट को तो आप लोग जानते होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने इन तस्वीरों को सेलेक्ट कर लिया, ये नज़र आया सेलेक्ट ऑप्शन लिखा हुआ है, इनको मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसका कॉपी करता हूँ, सिलेक्शन मस्ट है। कॉपी करने के बाद अब मैं पेस्ट में आके सिंपल पेस्ट करता हूँ तो इसकी एक और कॉपी निकल गई है, ये पेस्ट है, कॉपीज निकालना, पेस्ट कर लो, इसकी एक और कॉपी निकल गई। इस तरह आप इसकी मजीद कॉपी ला सकते हो, समझ आ रही बात, नहीं चाहिए अंडू कर लेते हैं। मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, सिलेक्शन करने के बाद क्या लिखा हुआ है, कट। कट का मतलब यहाँ से मैंने इसको ख़त्म करना है, कट कर लो, कहाँ ले जाना है, विंडो की प्लस आर रन, या विंडो की प्रेस करके यहाँ पे टाइप कर लो वर्ड पेड, ऊपर वर्ड पेड आ गया, आप इसको ओपन कर लो। याद रखना, जो टेक्स्ट कट हो जाए या कॉपी हो जाए उसके लाने की ड्यूटी पेस्ट की है, तो यहाँ से आप इसको दोबारा पेस्ट कर सकते हो। ये खत वहाँ से कट होके यहाँ पे पेस्ट हो गया, दोबारा यहाँ से दोबारा इसको कट करना है, सेलेक्ट कर लो, क्लिक कर लो, यहाँ पे सिलेक्शन फिर क्लिक्स है, क्लिक कर लो, दोबारा नजर है सीजर साइन, कैंची के साइन भी शो कर रहा है, कट कर लो, यहाँ से ख़त्म हुआ। दोबारा मैं आता हूँ एमएस पेंट के अंदर, यहाँ पे क्या करना होगा, पेस्ट करना होगा। वैसे हमने ये नोट पेड में पढ़ा था, दोबारा आप लोगों का हल्का फुल्का रिविजन भी हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम लोग आते हैं सेलेक्ट के अंदर, मजीद कुछ ऑप्शन आ रहे हैं। पहले हमने क्या पढ़ा था, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन आ रहा है। देखो जनाब, मैंने यहाँ से कुछ काम किया है, मैंने कुछ शेप उठाया है, देखो ये मेरे पास सिलेक्शन है, लेकिन ये रेक्टेंगुलर की तरह कर रहा है, समझ आ, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन आ रहा है। आपको जो चीज़ नहीं चाहिए रिमूव कर लो, मुझे यहाँ से ये दो चीज़ें नहीं चाहिए, सेलेक्ट करके रिमूव कर लेना, ये रेक्टेंगुलर सिलेक्शन है। अगर मैं कोई तस्वीर उठा लेता हूँ, मैं पेस्ट फ्रॉम में आता हूँ, मैंने तस्वीर उठा लिया, अब मैं तस्वीर का तो चलो साइज भी कम करता हूँ, मैंने इसका साइज कर लिया 50%। अब मैं तस्वीर में ये चाह रहा हूँ कि सिर्फ इस बर्ड्स
कि एरिया को कट कर लूँ। अगर मैं रेक्टेंगल सिलेक्शन में आता हूँ, सिलेक्शन मैंने इसका कर लिया, ये देखो आप इसको यहाँ से ड्रैग कर लेना, तो इसके साथ इसके ये एक्स्ट्रा एरिया भी शो हो रहा है। मैं कहता हूँ खाली बर्ड्स को मैं कट करूँ, समझ आ रही बात। मैं ज़रा इसको सेलेक्ट उठा के दोनों को सेलेक्ट करके डिलीट कर लेता हूँ कीबोर्ड से। दोबारा मैंने तस्वीर को यहाँ पे ओपन करके रिसाइज में आके मैंने इसको 50% कर लिया। 50% करने के बाद सेलेक्ट के नीचे क्या लिखा हुआ है, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन, अपनी मर्जी का सिलेक्शन करना। मैंने कहा मैंने सिलेक्शन इस तरह स्टार्ट करना है, फॉर एग्जांपल मैं फिलहाल टाइम नहीं है, मैं इस तरह नजर आ रही सिलेक्शन, दोबारा इसके साथ आपने जोड़ना होगा, आप देख लेना कट करो, खाली ये एरिया कट हो गया। इसमें आप मज़ीद भी इरेजर को बड़ा करके जो एरिया आपने काटना है काट लो, इसकी जूमिंग करो, समझ आ रही बात। व्यू में आ जाओ, स्टेटस बार ऑन करो, थोड़ा इसकी जूमिंग करो, जो एरिया आपको नहीं चाहिए आप इरेजर उठा लो, आप उसको रिमूव करते जाना, तो थोड़ा फारी कर लो। खैर सिंपल ग्राफिकल प्रोग्राम है, एडवांस ग्राफिकल प्रोग्राम नहीं है, आपने ज़्यादा टेंशन इसमें नहीं लेना है। समझ आ रही बात। बाकी आप एडोब वगैरह में और ग्राफिकल प्रोग्रामों में तो आप इसके ऊपर अच्छे खासे काम कर सकते हो, समझ आ रहा होगा। तो कहने का मकसद ये है कि आप इस तरह जो है इसके ऊपर फ्री फ्रॉम सिलेक्शन है, अपनी मर्जी का सिलेक्शन कर सकते हो। सबको सेलेक्ट करना है सेलेक्ट ऑल, और इसी के नीचे आके क्या लिखा हो डिलीट, इसको डिलीट कर सकते हो। अगर आपने ज़्यादा काम किया, ये पेज यहाँ से आप क्लिक करके छोटा और बड़ा कर सकते हो, मैंने पेज को बड़ा कर लिया। आपने बहुत सारा काम किया, कुछ बहुत ज़्यादा आपने काम किए हैं, आपने कुछ भी उठा लिया, आप ये चाह रहे हो कि मैं इन सब को भी डिलीट करना चाहता हूँ। कुछ काम ऊपर होता है, फॉर एग्जांपल कभी आपकी लाइन ऊपर नीचे भी हो जाती है, कोई भी कश्मीर का नक्शा बना रहा हूँ, आपका काम बहुत ज़्यादा हुआ, आप कहते हो सारे सेलेक्ट हो जाए, तो आप सेलेक्ट में आके सेलेक्ट ऑल कर लो, इंटायर आपका पेज सेलेक्ट हो गया। अब आपने इसको कट करना है, कॉपी करना है या डिलीट करना है, डिलीट कर सकते हो। आई होप समझ आ रहा होगा। क्यों नहीं होगा, शॉर्टकट की जब एक मतलब कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल आ गया तो वो सेलेक्ट ऑल ही चलेगा, ऐसा नहीं कि पेंट में फिर वो किसी और की इस्तेमाल हो रहा है, ये ऑलमोस्ट ही चलेगा। देखो जनाब मैं छोटा सा स्टार उठा रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे रखा, एक स्टार मैंने यहाँ पे रख लिया, एक स्टार यहाँ पे रख लिया, एक स्टार यहाँ पे रख लिया, कुछ दरमियान में स्टार रख लिए, कुछ चलो शेडो पे एक स्टार दो रख लेता हूँ। अब इनके दरमियान मैंने और भी कुछ शेप रख लिया, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मैं स्टार को सेलेक्ट करूँ। अगर मैं रेक्टेंगल सिलेक्शन उठाऊंगा तो सारे सेलेक्ट हो रहे, खाली स्टार सेलेक्ट नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ स्टार को सेलेक्ट करना है तो क्या उठाना होगा, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। देखो मैं यहाँ से सिलेक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ, कहाँ से शुरू करें, यहाँ से ऐसे करते हैं, इन दो को बाईपास कर लिया, इन दो को कर लिया, करते करते इनको सेलेक्ट कर लिया, ऐसे करते करते ये तो दरमियान में रह जाएगा, ले रहा पता जो रखो, इससे करते करते क्या हुआ, सिर्फ हमने स्टार को सिलेक्ट किया, सही है? कोई और चीज़ सिलेक्ट नहीं हुआ। अगर मैं डिलीट करूँगा तो क्या डिलीट होगा, स्टार डिलीट होंगे, क्योंकि स्टार सेलेक्टेड थे। मैं अंडू करता हूँ, दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, क्या सेलेक्ट हो गया, स्टार। अगर मैं डिलीट करूंगा क्या डिलीट होगा, स्टार। यहाँ पे क्या लिखा है, इनवर्ड सेलेक्शन।
क्या लिखा हुआ है, इनवर्ड सिलेक्शन, जो सिलेक्टेड है इनके अलावा बाकी को सिलेक्ट करो। मैंने क्लिक कर लिया, बाकी सिलेक्ट हो गए। अगर मैं डिलीट करूंगा तो कौन से वाले डिलीट होंगे, अभी स्टार के अलावा बाकी डिलीट हो जाएंगे जो मैंने सेलेक्ट किए थे। फिर मैंने क्या किया, इनवर्ड सिलेक्शन का चेक लगा दिया, इनके अलावा बाकी सेलेक्ट करो, बाकी सेलेक्ट हो गए। आई होप समझ आ रहा होगा। लास्ट ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन तो पढ़ाया था कल। हाँ, फिर मैंने यहाँ पे स्टार सेलेक्ट, फिर मैंने इनवर्ड सिलेक्शन किया कि स्टार के अलावा बाकी सेलेक्ट कर लो। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन पढ़ाया था, जिसको याद है खामोश है, जो बाकी बताओ, जिसको नहीं याद वो बताओ। ये ऑप्शन पढ़ाया था कल? नहीं पढ़ाया था। जिसको पता, यस फिर वो खामोश रहना। इस भाई को याद है, उसको याद नहीं है, कल नहीं पढ़ाया था ये ऑप्शन? नहीं नहीं, मस्ती की बात नहीं कर रहा, याद होने की बात कर रहा। मैंने ये नहीं कहा था आप लोगों को नहीं आता मैं रिवीजन करवा, मैंने कहा आप लोगों को याद है या नहीं, ये मैंने सवाल पूछा था। गुलाम रबानी अखुंदजादा जी बताओ, नहीं पढ़ाया था? चलो खैर, याद मैंने आपको फ्लैग पढ़ाया था, फ्लैग के अंदर जो वाइट एरिया आ जाता है, वाइट एरिया को ख़त्म करने के लिए हमने कल ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन पढ़ा था। अगर आपको कोई इशू है तो आप वो वीडियो रिवाइज कर लेना। क्लियर है तक? मैं दोबारा इन सब को सिलेक्ट करके डिलीट करता हूँ। अच्छा, उसके बाद हम लोग आते हैं, ये हमारा हो गया, क्लिपबोर्ड ग्रुप हो गया, इमेज हो गए। मैं ज़रा कोई ओपन फाइल में आके या पेस्ट फ्रॉम में आ जाऊँ। मैंने कोई तस्वीर ओपन कर ली, ये तस्वीर आ गई। अगर आपने इस तस्वीर को रोटेट करना है, रोटेट तो जानते होंगे, रोटेट में आ जाओ। मैंने इसको क्या कर लिया, रोटेट लेफ्ट 90 कर लिया। मैंने इसको रोटेट 180 कर लिया। मैंने इसको रोटेट फिल वर्टिकल किया लिया, ऐसा है। फिलअप आपके पास हॉरिजॉन्टल आया तो ये तस्वीर ऐसा हुआ। दोबारा आप इसको रोटेट राइट 90 डिग्री कर लो, दोबारा स्ट्रेट हो जाए। तस्वीर के आप मुख्तलिफ डायरेक्शन ला सकते हो। रिसाइज हो गया। अगर आप इस तस्वीर को क्रॉप करना चाहते हो, छोटा करना चाहते हो, मैं ये चाह रहा हूँ इस तस्वीर को मैंने इतना तस्वीर बनाना है, इससे बिल्कुल तस्वीर मैंने चेंज करना है, क्रॉप करना है, सिलेक्ट कर लो, क्रॉप कर लो, ये अलग तस्वीर बन गई, बाकी से ख़त्म हो गई, ये एक अलग तस्वीर बन गया। खाली आप सिलेक्शन, ये ऑप्शन उठाओ, सिलेक्शन कर लो, ये एक अलग तस्वीर बन जाएगा। नहीं चाहिए, अंडू करता हूँ। उसके बाद पेंसिल तो आप लोगों को पता होगा, इसका साइज़ बढ़ाने के लिए आपने क्या करना होगा, कीबोर्ड से कंट्रोल जमा लगा लो, ये साइज़ बढ़ेगा। ये याद है मैंने कल पढ़ाया था, फिल विद कलर। आप जो भी आप बॉक्स उठा लेते हो, बॉक्स के अंदर आपने कोई भी कलर देना है तो आप फिल विद कलर उठा लो। कौन सा कलर आपको चाहिए, मुझे ये कलर चाहिए, आप ग्रे उठा लो। आपको फॉर्मल ये कलर चाहिए, आपको ये कलर चाहिए, आपको जो भी कलर चाहिए आप इसमें ड्रॉप कर लेना। ए, जब भी किसी, याद रखना, किसी भी ग्राफिकल प्रोग्राम में डायरेक्ट आप राइटिंग टाइप नहीं कर सकते। अगर मैं नोट पैड ओपन करता हूँ, इसमें आप डायरेक्ट राइटिंग टाइप कर सकते हो। अगर मैं वर्ड पैड ओपन करता हूँ, आप इसमें डायरेक्ट राइटिंग टाइप कर सकते हो। किसी भी ग्राफिकल प्रोग्राम में आप डायरेक्ट राइटिंग टाइप नहीं कर सकते, किसी भी ग्राफ, चाहे वो कोरल हो, चाहे वो एडोब हो, चाहे वो फ्री हैंड हो, चाहे वो एमएस पेंट हो, किसी भी ग्राफिकल प्रोग्राम में डायरेक्ट राइटिंग टाइप नहीं होता। अगर आपको किसी चीज़ के ऊपर खत लिखना है तो फिर आपने ए उठाना होगा। ए का मतलब है टेक्स्ट, खत उठा के आप जो भी लिखना चाहते हो, जो भी बाबूलाल लिखना चाहते हो लिख सकते हो। सिलेक्शन करके अगर आपने कलर देना, आप कलर दे सकते हो। साइज बढ़ाना है, साइज बढ़ा लो टेक्स्ट का। मैं लिख लेता हूँ CCI क्या लिख लिया, साइज मैंने इसका 20 कर लिया। असल में इसकी जूमिंग वो हुई है, कम हुई है, 50 आ रहा है। खत जो है साइज सही आ रहा है। मैं चलो फिर भी इसको 28 करता हूँ। CCI कंप्यूटर एकेडमी, अब मैंने इसका साइज इंक्रीज करना है। ऑलरेडी इसका साइज 28 बहुत ज़्यादा साइज है, लेकिन यहाँ पे हमने जूमिंग कम करवाई है, फिलहाल रहने दो इसी तरह। अगर आप इसको थोड़ा मोटा करना चाहते हो, बोल्ड कर लो। बोर्ड जानते होंगे, राइटिंग थोड़ा सा मोटा हो जाए, बल्कि यहाँ पे लाता हूँ। बोल्ड करना चाह रहे हैं, बोल्ड कर लो। इटैलिक मतलब राइटिंग थोड़ा स्क्यू करना चाहते हो, स्क्यू कर लो। दोबारा ख़त्म कर सकते हो। अंडरलाइन का मतलब है इसके नीचे लाइन देना है। ये पहला करेक्टर क्या लिखा, बी लिखा है। आप कीबोर्ड से बी लगाओ, कंट्रोल बी, बोल्ड।
कंट्रोल आई इटैलिक, कंट्रोल यू अंडरलाइन, कंट्रोल बटन लगाओ, दोबारा कंट्रोल बी लगाओ, बोल्ड खत्म होगा, कंट्रोल आई इटैलिक खत्म होगा, कंट्रोल यू अंडरलाइन खत्म हो जाएगा। ये आपके पास कुछ शॉर्टकट की भी है, मैं सेलेक्ट करके जरा इनको रिमूव करके आपको शॉर्टकट की भी लिखवाता हूँ। क्या था, कंट्रोल प्लस बी क्या होगा, बोल्ड होगा, कंट्रोल प्लस आई क्या होगा, इटैलिक होगा, और कंट्रोल प्लस यू क्या होगा। अब ये शॉर्टकट खाली नोट पैड सॉरी पेंट या वर्ड पैड में नहीं, ये तमाम प्रोग्रामों में ये शॉर्टकट चलेगी। आई होप समझ आ रहा होगा। चलो जनाब आज यहाँ तक बस है, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहे कल पढ़ेंगे।